हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग? तो आई होप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम माय साइड। बेटा देखो, आप लोगों का 16 आई थिंक है ना अकाउंट का, आप लोगों का एग्ज़ाम है 12th वालों का, तो उसका सब्जेक्टिव पार्ट है ये, किस तरह से आपका पेपर आएगा और क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केस। ठीक है, कितनी जो है आय व व्यय खाते में क्या रकम दिखाई जाएगी। उसके बाद में किस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय व व्यय खाते एवं लाभ हानि खाते में चार अंतर बताइए। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंस बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट उसके बाद प्रैक्टिकल आ रखा है। देखिए, औसत लाभ की गणना करनी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है फर्म का। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस है बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। इस तरीके से थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं वो तो आपने सारे करने ही हैं अकाउंट्स में, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो हैं वही आपको ज़्यादा पास करवाने के लिए रहेंगे। प्रैक्टिकल कई बच्चे कर पाते हैं, कहीं नहीं कर पाते, तो थ्योरी बिल्कुल अच्छे से रट के जानी है। ए बी साझेदार जिनका लाभ विभाजन इतना है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपका पूरा न्यूमेरिकल रखा है, ये देखिए। ओके, बैलेंस शीट दी हुई है आपको और आगे फिर ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपको चीज़ें दे रखी हैं कि ये चीज़ें दी होंगी आप लोगों को। ठीक है, और ये और में क्वेश्चन एक और आ रखा है, त्याग अनुपात व प्राप्ति अनुपात में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, हाउ गुडविल इज एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ओके, फिर ये नेक्स्ट पार्ट बी है, इसमें देखिए प्रैक्टिकल आ रखे हैं, आप देख सकते हैं। लिमिटेड परचेज द एसेट्स फ्रॉम बी लिमिटेड 67,50,000, इशूज 10% डिबेंचर एट द ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पास जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, जनरल एंट्री करनी है आप लोगों को। नेक्स्ट फिर से थ्योरी का क्वेश्चन है, टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी शेयर एंड अ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो ये थ्योरी के क्वेश्चन हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही है, राइट। जनरल एंट्रीज ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर व्हेन द शेयर हैव बीन इश्यूड एट पार्ट और एट प्रीमियम। ठीक है, फिर 10th क्वेश्चन अगेन जो है आप लोगों का प्रैक्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट 11th में आप लोग देख सकते हैं, नोट लिखना है, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, इस पर अग्रिम याचना और अदत्त याचना। नेक्स्ट फिर से प्रैक्टिकल आ गया आप लोगों का, ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बच्चे, इन टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में ये देख सकते हैं आप, सी पार्ट के अंदर, व्हाट इज एडजस्टिंग एंट्री गिवन टू एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज डाटाबेस इंटरफेस गिवन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ DBMS, व्हाट इज डाटा एंट्री। ठीक है, डाटा एंट्री क्या होती है, स्प्रेडशीट गिव इट टू फीचर्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग अ कॉलम इन अ वर्कशीट, बस दैट्स इट। ठीक है, तो इस टाइप से तीन पार्ट्स में आपके अकाउंटेंसी का पेपर आ रखा है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में ऊपर आ जाता है, उसके बाद कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और देन उसके बाद में सबसे फर्स्ट पार्ट जो आ जाता है मेन, दैट इज देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप अकाउंट। ओके, तो इस तरह से इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, इस टाइप के क्वेश्चन जितना हो सकता है पढ़ लीजिए, रट लीजिए। थ्योरी वाले क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, जिनकी जिनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, अभी टाइम है आप लोगों के एग्जाम में। ओके, करिए प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।